हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनालीस किचन। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ स्पेशल मीठी मटरी की रेसिपी। इसके लिए हमें लगेगा मैदा, चीनी, थोड़ा सा मैंने संध्या लवण लिया है, उसके बाद लिया है घी और सूजी। तो चलिए सबसे पहले मैदे को गूंद लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल, उसमें मैंने ऐड कर दिया है मैदा, सूजी, नमक और घी। मैदे में ये घी बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे आटे में एक मुट्ठी बने तब समझना कि आपका मोयन एकदम परफेक्ट है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक डो बना लेना है। डो ऐसा बनाना है कि ये बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो। एक मीडियम सख्त डो बनाना है, अच्छे से मसल मसल के ये डो बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा डो रेडी हो गया है। अभी इसे 20 से 25 मिनट मैं रेस्ट पे रखूँगी। जब तक ये डो रेस्ट हो रहा है तब तक ये तेल गरम कर लेते हैं। तेल मीडियम गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। तेल इतना गरम करना है कि इसमें मटरी देने के बाद ये तुरंत ही ऊपर ना आ जाए, धीरे धीरे ऊपर आए। तो ये डो रेस्ट हो गया है तो अभी इसे और एक बार मसल लेते हैं। तो मसलने के बाद इसमें से आटे का लोई निकाल लेना है। तो देखिए मैंने रोटी जैसा बॉल बना लिया है और यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है। मैदा कोट करके अभी इसमें से रोटी बना लेना है। ये एकदम पतला नहीं बेलना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। तो देखिए यहाँ पे रोटी बेलना हो गया है। उसके बाद अपने पसंद के हिसाब से आप लोग इसे कट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे कुकी कटर यूज़ किया है। आप लोगों के पास अगर नहीं हो तो आप लोग घर में अवेलेबल कटोरी या फिर ग्लास से आप लोग इसे कट कर सकते हो, या फिर ऐसे भी बेल के भी बना सकते हो। मेरा रेडी करना हो गया है, ऐसे ही सारे मटरी मैं बना लूंगी। ये मटरी आप लोग करवा चौथ व्रत के अलावा एज अ स्नैक्स बना के रख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर मेरी रेसिपीज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर एक नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखिए यहाँ पे सारे मटरी मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे तेल भी गरम हो गया है, तो चेक कर लेते हैं। तेल इतना गरम करना है कि ये मटरी तुरंत ही ऊपर ना आ जाए, मीडियम गरम करना है ताकि ये मटरी तेल में जाके धीरे धीरे ऊपर आए। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों तरफ अच्छे से छेद कर लिया है। तो चलिए अभी फ्राई कर लेते हैं। और मटरी तेल में देने के बाद ही साथ साथ ही हिलाइएगा मत। थोड़ी देर बाद, एक से दो मिनट बाद, जब ये तैरना स्टार्ट कर दे तब इसे धीरे धीरे पलटना है। ऐसे ही ये जो मटरी है इसे बारी बारी दोनों तरफ पलटते हुए फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर करके इसे फ्राई करना है। तो देखिए ये लाइट ब्राउन कलर हो गया है।
तो लीजिए, यहाँ पे सारे मटरी मेरा फ्राई करना हो गया है, इसे ठंडा होने देते हैं, तब तक मैं चाशनी बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें मैंने ऐड कर दिया है शक्कर और पानी, जितना शक्कर उससे आधा पानी ऐड करना है। अभी इसे चम्मच की मदद से हिलाते हुए मेल्ट कर लेना है। उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है सैफ्रन और इलायची। सैफ्रन टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे अच्छा सा एक कलर और फ्लेवर आता है। शक्कर गल जाने के बाद इसे और 2-3 मिनट पका लेना है। इसे एक इसमें से एक चिपचिपा चाशनी बनाना है। तो चाशनी मेरा रेडी हो गया है, मैंने गैस ऑफ कर दिया है। और यहाँ पे देखिए मछली ठंडा हो गया है, मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बना है। तो चलिए अभी सारे मछली को चाशनी में कोट कर लेते हैं। चाशनी हल्का ठंडा हो जाए फिर इसमें मछली देना है, और मछली चाशनी में ज्यादा देर तक मत रखिएगा। चाशनी में कोट करने के साथ साथ ही इसे निकाल लेना है। दोनों तरफ अच्छे से कोट करके तुरंत ही चाशनी से निकाल दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सारे मटरी मेरा कोट करना हो गया है शुगर सिरप में। रेडी हो गया है हमारा मीठी मटरी। ऊपर से मैं थोड़ा सा क्रश किया हुआ पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ। क्यों लग रहा है ना, बहुत ही डिलीशियस जी, ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी प्रोसीड्योर फॉलो करके। आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी लगेगी। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए।